पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देवऋषि नारद को विश्व का पहला संवाद वाहक माना जाता है। नारद जयंती को पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व संवाद केंद्र ने आर्यंस इंटरनेशनल स्कूल सभागार में नारद जयंती का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अद्वैत काला रही। पटकथा और उपन्यास लेखिका अद्वैता ने कहा कि फिल्मों में देवऋषि नारद को विदूषक और विवादित चरित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसे भारतीय संस्कृति को प्रदूषित करने का प्रयास भी कहा जा सकता है। नारद जी विद्वान विभूति थे। ज्योतिष, संगीत, इतिहास, भूगोल, खगोल, अर्थशास्त्र सभी के तमाम विषय के मर्मज्ञ रहे। इसके बावजूद नारद जी का ऐसा विकृत चरित्र प्रस्तुत करना क्या है, इसके जिम्मेदार सभी हैं। इस दौर में पत्रकारिता विश्वसनीयता का संकट अनेकों कारणों में उपज रहा है। कोई चैनल या पत्र निश्चित विचारधारा से प्रभावित हो सकता है। पक्षपात की गुंजाइश से सत्यता छिपने की वजह बलवती हो जाती है। नारद जी कभी कभी ऐसा लगता है नारद जी कोई नाम नहीं था, नारद जी उनका डेजिग्नेशन था, क्योंकि एक लंबे कालखंड में नारद जी का चर्चा आती है शास्त्रों में। जो काम नारद जी ने किया, जैसा देखा वैसा ही आगे बताया। आज के जो पत्रकार बंधु हैं, मैं उनको भी नारद जी का प्रतिरूप मानता हूँ, और उनसे यही समाज की अपेक्षा है कि जो हम देख रहे हैं वैसा ही अपने संदेश अपने उसमें लिखें, वही दिखाएं। नारद जी जयंती को हम पत्रकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। पत्रकारों का सम्मान भी हम इस दिन करते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।